गुड मॉर्निंग, मेरी हालत तो दिख रही होगी आपको, इतनी ख़राब सी हो रखी है और आप सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ को क्या हुआ। तो एक्चुअली मैं बीमार हूँ। सो गुड मॉर्निंग, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। तो अभी मैं जस्ट थोड़े टाइम पहले ही उठी, बोले लाइक मेरे को 20 मिनट हुए होंगे हार्डली उठे। तो मैं जा रही हूँ बाहर उनके पास, देखती हूँ क्या कर रहे हैं मम्मा। मैं अभी क्लिप बनाई हूँ, फिर से क्लिप बना रही हूँ। मैंने वो क्लिप देखी, पीछे अनकियों की आवाज़ें आ रही इतनी ज़्यादा, जो कि मुझे यहाँ नॉर्मल सुनाई देती है ना, फ़ोन पर ज़्यादा आती हैं। बोल तो नहीं रही है, मैं जब भी यहाँ बैठ के क्लिप शूट करती हूँ ना, तो इतना मोहल्ले वालों का आवाज़ आता है बीच में, इतना गुस्सा आता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना। गले रखे इनने क्या रखा हुआ है। सो अभी शॉर्ट में मैं बताती हूँ, पहले वाली क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी। सो गुड मॉर्निंग, मैं अभी उठी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा गला ख़राब है। चुप हो जाओ, माँ के पास चलते हैं हम। एक्चुअली ये तो मैं बाहर ही व्लॉगिंग करती थी, मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने घर पर स्टार्ट किया था, बट उसके बाद मैं अगर खुद व्लॉग करती थी मैं बाहर जाके शूट करती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि तो घर पे किया कर, घर के व्लॉग्स किया कर। दैट्स व्हाई मैं आज वैसे भी कहीं बाहर नहीं जा रही, क्योंकि मैं बीमार हूँ और मैं घर पर शूट करी हूँ मम्मा के साथ। ये दूध वाली दूध रख के जाती है यहाँ पे, ये दूध उठाने के लिए। सानिया स्कूल में लेके गई थी, थोड़ी सी मेरे लिए भी बच गई। इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है। नहीं टेस्ट, जैसे काम हुआ तभी कुछ टेस्ट नहीं लगता। जरा आप करो। मैंने खाया है ना, मैं खाई ये खाई, अभी खाई। बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं है ना, नमक ना मिर्ची। जैसे काम हुआ है तभी टेस्ट लगा। मुँह का टेस्ट टूट गया मेरे। मेरे टॉयलेट मेरे पास में है नहीं, और अब मैं लॉबी में बैठी हूँ। तो मैं जाती हूँ, मम्मा कह रहे हैं कंबल आ गई, तो कंबल पे बैठ थोड़ी हुई। मेरे कान भी बंद है, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कितनी ज़ोर से बोल रही हूँ, आज से बोल रही हूँ। अगर बीच में मेरी की आवाज़ नहीं आई हो तो उसे इग्नोर करना होगा। तो मुझे ये करना चाहिए, कार सामने अंकल को देख के याद आ गया। ये अंकल ना ये ब्रश करने लगे थे, तो इनको देख के मुझे भी याद आ गया। और बोले मैंने बड़ा गर्व करती हूँ उनसे, मेरे भी बीमार नहीं पड़ती, बीमार नहीं पड़ती, उन बीमार पड़ गई। मुँह में मतलब फेस वॉश नहीं किया, बस पानी लिया और बनाया हुआ है। फेस वॉश करती नहीं होती, मेरा डेली यही होता है बेटा। मैं डेली क्या करती हूँ, मुँह कैसे धोती हूँ, मैं गई पानी हाथ में लिया ऐसे किया बस आ गई बाहर। बट कल मैंने फेस वॉश किया था, आज भी करूँगी ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा फेस पे ना ऐसे मेरा फेस ठीक नहीं है।
तो तभी ये मेरा ब्रेकफास्ट मेरा और मम्मा दोनों का। देखो सच कहते माँ माँ होती है। सो उन्होंने अपने कप में दूध कम रखा, मेरा पूरा ग्लास फुल किया, तो फिर मैंने इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। खा लेते मस्त, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए। छी 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 मैंने खा लिया, मेरा डन हो गया। मम्मा का भी होने वाला है, करीब पहुंचा हुआ है, वो लगे हुए हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हुई है, तो पीछे देख रहे हो ये सारी रोहान की कलाकारी है, रोहान ने किया कलर्स से। सो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज लगा के यहाँ पे लीड की गेम भी खेलने लगी हूँ टाइम पास के लिए। बैटरी बहुत लो है। सो ये काइंड ऑफ एक तरीके से हमारा शोरूम है, यहाँ पे बस ऐसी लीड जाते हैं बेड पे आके टाइम पास करती हूँ मैं। सो मैं गेम खेल लेती हूँ थोड़ा टाइम। हाँ बहुत नहीं, मैंने मम्मा ने काम दिया है, मैं आलू काटते सही बीमार लगनी चाहिए मैं, ठीक है इसे बाल भी ऐसे रहने दो एकदम। पता नहीं मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ भी नहीं रही है आपको, आ रही है क्योंकि मेरे कान बंद हो रखे हैं जैसे मैंने बताया था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कितनी ज़ोर से बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ। तो मैं एक बार अपना क्लिप खुद सुन के चेक कर लेती हूँ मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है आवाज़ मेरी, बट प्रॉपर नहीं आ रही है, बट इग्नोर कर लो ठीक है। बस मैं जकड़ बनी हुई हूँ, बाल ऐसे भी नहीं बांधे मैंने, बस मुंह धोया ब्रश किया, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा इंसानों की दुनिया में आती हूँ, इंसान बनती हूँ। ऐसे मैंने मेडिसिन लेने भी जाना है। इतना अजीब था ये जो भैया थे, एक ही मुझे मतलब रुक रुक के देख रहे थे पता नहीं क्यों। मैं एक सेकंड के लिए खुद हैरान हो गई कि पहले आगे गली में गए, वहाँ से वापस आके फिर ने मुझे देखा, फिर मुझे देखा पीछे मुड़ के, मैं भी ऐसे तभी मेरे को देख रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैं बात क्या कर रही थी। ये रही मेरी मेडिसिन, ये विटामिन सी की खाली है, ये है डोलो, पता नहीं कौन सी है, यही से जो काम किया ये पता नहीं कौन सी है, बस ये तीनों खा लेनी है। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अब मैं गेम खेलने लगी हूँ वापस से थोड़ी देर तक सानिया आती। आंटी इज बैक, कम चलती हूँ चलती हूँ। कहाँ गए हुए थे आप? कहाँ? मुँह में क्या डाला है? लड्डू? इधर आओ ना। गया रोहान क्या हुआ था अपनी नानी के घर है ना, वाशी करके हुए थे। अब मेरे पास वापस रोनक रोनक होगी। हाय करो, हाय 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 हाय, बोलो आई एम बैक, आई एम बैक। पिछले भी को मैं तब से सानिया का वेट कर रही थी, सानिया भी आ गई, मेरा घर आस्ता आस्ता फुल हो रहा है। मैंने कहा था पहले मुझे मत लाना, दीदी नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, मैं नहीं कर, मैं कुछ पढ़ दूंगी अल्लाह की कसम गंद। ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं, मैं कुछ गंद पढ़ दूंगी, गंद पढ़ देगी तो मेरा क्या जाएगा है? ब्लैकमेलिंग देख रहे हो इसकी, कुछ सेंसलेस ब्लैकमेलिंग करती है ये लड़की। स्कार्फ में आंटी लगती है, सानिया का पूछना है कि मैं स्कार्फ में आंटी लगती हूँ। इधर से इधर, इधर से इधर, उधर से इधर, शर्मीली, इसका नाम शर्मीली है। सो सानिया का न्यू नेम है शर्मीली। बताती हूँ सानिया ना, मतलब हमेशा ना ज़्यादा अच्छी दिखने के चक्कर में ना ये इतनी गंदी दिखती है ना, कुछ ओवर कर लेती है। जैसे कि ईद पे इसने मेकअप किया, ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ईद पे इसने मेकअप करा, तो इसने मेकअप कर लिया था, जब मैं रेडी होने लगी ना
तो अब जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसने सोचा दीदी भी ये यूज़ कर रही है, मैं भी यूज़ करते हैं, तो मेकअप डन हो गया। अब मेकअप के ऊपर मेकअप कर रही है, तो उसके बाद इसका मुंह तरक गया बिल्कुल, ठीक है। फिर इसने जाके मुंह धोया, फिर वापस से किया, बस करती है ये लड़की, बहुत बदतमीज़ है ये लड़की, नहीं आई थी बेगैरत और बदतमीज़ इंसान है ये। जाना चेंज कर यूनिफॉर्म, दिखा दिखा ना, ये स्पेक्स जो ये डालती है, ये देखो ये बुढ़ियों वाली गोल चश्मे, क्या नाम था इसका, नानी तेरी, हाँ इसको भी याद है, इसका मतलब इसको पता है कि वो बुढ़ी ऐसी चश्मा डालती है, वो उसने ऐसी गोल वाला चश्मा डालता है, नानी तेरी मोरनी, जो बेइज्जती इसकी करते हुए मुझे सुकून मिलता है ना, मुझे जिंदगी में वो किसी चीज में नहीं मिलता है। छपरी है ये, छपरी छपरी होगी लगा रही, क्या बोल रही है, हाँ मैं तेरी बेइज्जती नहीं करूंगी, तू भी कोई बकवास नहीं करेगी, ठीक है, नहीं बकवास करती है? नहीं करती। सो सानिया मुझसे हॉटस्पॉट मांग रही थी, तो मैंने उसको कहा हाँ मेरे व्लॉग में आएगी तो मैं हॉटस्पॉट दूंगी, तो जी मम्मा, तो मैंने वो कहती ठीक है, तो मेरी बेइज्जती नहीं करेगी, मैंने कहा हाँ तो बकवास नहीं करेगी, उसने कहा तो मेरी बेइज्जती नहीं करेगी तो मैं बकवास नहीं करूँगी, तुम्हारी है त्यारो क्या हारी है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, हाँ मैं डाल दूंगी उसमें, उसमें डाल दिया जी, आई वो तैयार हो रही है, देखो बाल बाल दी एकदम स्मार्ट बन के आएगी, व्लॉग में अगर आएगी ऐसे नहीं आएगी। चलो हम वेट करते हैं, मम्मा को इतनी कीमत पे प्यार आ रहा है, आ गया शायद, आ गया पहले इधर ना, अगर तूने मेरे बारे में कुछ बोला, नहीं मैं कुछ नहीं बोली तेरे बारे में, मुझे पता है मैं चल रही, नहीं बोल रही, पहले बता ही दिया ना, मैं कभी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी, चला जा मम्मा की किस्म, कुछ नहीं बोलूंगी मम्मा की किस्म करी है, ये ले ये, यहाँ सिर्फ देखने आई थी कि मैं देखूं पहले लगती कैसी हूँ, सीधा बोलना आ जा, लगती मैं क्यों घुस रही है, देखना तुम्हारी में घुस रही है लड़की, इधर ना आ तो सही, नहीं करूंगी प्रॉमिस, आ जा चला जा, आ गई गाइस, देखो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे व्लॉग में आई है, मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ पे आई, मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को लेके, आप चार शब्द बोलिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना आ सके सपोर्ट करें, बाय। सेलिब्रिटी है, आप तो मेरी तो सुनते नहीं होगे, आप तो इसकी सुन लो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ये, आप जानते नहीं होगे इसको, कोई बात नहीं जान जाओगे बहुत जल्दी, आना इधर मुझे कर रहा मत प्लीज, फिर बात हो रही है शक्ल लेके आ रही, जो मैंने व्लॉग डाला था जिसमें मैंने इसका मेकअप ट्यूटोरियल किया था, वहाँ इसको इतनी चंडे चली, उससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ हो सकती है इसकी, जो अभी आ गई यहाँ पे एक्टिंग करने, बहुत अच्छी लगी ये, यहाँ से जुल्फ थोड़ी ऐसे कर दो, ऐसे ये ऐसे थोड़ी इस तरह से, इधर से भी ऐसे, सानिया अपनी क्लिप देखने के लिए रुकी थी जहाँ इसको पटाखा चला, अच्छा था ना मजा आया, शर्मा क्यों रही है सानिया इतना, तो थप्पड़ मारेगी, नहीं मारूंगी मैं थप्पड़ तुझे, सम्मा मुझे बाहर बुला रहे हैं, इसकी इसको इग्नोर करो यार, इसकी बातों में बंदा ध्यान देने लगे ना तो यहीं पे सुबह हो जाए, छोड़ देखते लॉबी में बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, सानिया और हम दोनों वहाँ बैठ गए, और ये हमारा खाना है जी अम्मा, कपड़े चेंज कर ली हूँ, मैं फिर से जा रही हूँ बाहर अंदर सुबह से रह रहे के बोर हो गई हूँ, कुछ करने को है नहीं है, तो इस टाइम से मैं शाम को बाहर जाती हूँ, थोड़ा ना गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़ा बाहर ना मौसम अच्छा होता है, हवा लगा तो ला के वापस आ जाती हूँ घर पे, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके बाहर, थोड़ा बाहर से वो आती हूँ, ठंडा मैंने चेंज कर लिया और मैं चली हूँ बाहर, अच्छी लग रही हूँ वैसे, पतंग उड़ा रहा है, मैं छोटी होती थी ना, मैं छोटी तो मैं अभी भी हूँ, मतलब जब मैं इससे छोटी होती थी तो ऐसे भाई घर पे पतंग चलाते थे तो मैं उड़ाती थी, लेकिन मुझे उड़ानी आती नहीं थी, जब मैं पतंग उड़ाने के चक्कर में पतंग फाड़ देती थी तो मेरे पीछे लगता था, मैं भाग जाती थी, बीमार हूँ बट फिर भी मेरे को पानी पूरी खानी है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ पानी पूरी खाने,
है बट जिसकी है उसने रखने को बोला है, मैं खाने लगी हूँ। मैं घर आ गई थी एंड मेरे रूम की लाइट ख़राब है, आपने देखा ही होगा मेरे रूम का एक्चुअली बोर्ड टूटा हुआ है, तो अभी रूम में अब शूट नहीं कर सकती। तो मैं घर आ गई थी, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, मतलब मैं खाना मेरे मुंह के आ गई है तो मैं खाना खा रही हूँ। तो मेरी ब्लॉग की एंडिंग होती है यहीं पर, आपने देखा आज मेरा पूरा दिन कैसे गया, मैं बीमार हूँ अभी भी हूँ। अभी मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी सी मेडिसिन ले लिया एंड फिर मैंने सो जाना है। ब्लॉग अगर अच्छा लगा उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे बताएं ब्लॉग की सलाह का। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैं अभी आपको एक स्वैग रिप्लाई सुनाने वाली हूँ। जब मैंने कैमरा ऑफ किया था तो कैमरा ऑफ हुआ, ऐसे बात हुई तो मेरी कज़न थी उसकी शादी होने वाली है, तो मम्मा ने मुझे कुछ ये कहा, क्या कहा, क्या बोल रहे आप? मैंने कहा तेरे से छोटी है, उसकी शादी होने वाली है उससे आगे। आगे तो बैठी है। फिर उसके बाद मेरी बहन का स्वैग रिप्लाई सुनो। वो गाँव है और वो आपका गाँव।